मैं जानता हूं कि आज तुम लोग किस मूड में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शो बंद कर दिया जाए। तुम लोग अपने अपने आइटम के लिए फौरन तैयार हो जाओ, पब्लिक तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम भी तो आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं बॉस। आपने वादा किया था। क्यों पीटर? 3 बरस पहले नैरोबी में, याद आया? मुझे याद, सब कुछ याद है। सब आज ही का तो दिन है, 9 बजे वो आने वाला है, ठीक 9 बजे। हम सबकी किस्मत पलट जाएगी। किस्मत पलटते ही तुम भी पलट गए तो मुझ पर भरोसा रखो। ओके बॉस। कमान कमान कम 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 कमान 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 अप 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 कम यो यो कम कमान साहब। हेलो। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो सोच रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। यही ना? नहीं तो ये बात नहीं, वैसे अगर आज तुम ना आते तो मैं खुदकुशी कर लेता। माल कुछ और तोहफे भी लाया, देखोगे?
जोगेंद्र उर्फ दयाराम यानी कि तुम। शर्फुद्दीन उर्फ कुंवर साहब यानी कि मैं। ये गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो? मतलब की बात करो, तुम नहीं जानते कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। देखते जाओ। डेसूजा उर्फ पिंटो उर्फ हमारे वकील साहब। लेकिन इन सबका मतलब क्या है? अगर हम तीनों में से किसी ने किसी को धोखा दिया तो ये फोटो जो आज मेरे पास है कल पुलिस के पास हूं। याद है जुगंदर, आज से 3 वर्ष पहले नैरोबी में हम तीनों ने एक आदमी को जान से मारकर ये हीरे चुराए थे। तब हमने ये फैसला किया था कि पुलिस में केस तब जाने के बाद हम इन हीरों का बंटवारा करेंगे। लेकिन कुंवर साहब मेरी तो जिंदगी और मौत का दारोमदार ही इस बंटवारे पर है। लेकिन बंटवारा वकील साहब के आने के बाद ही हो सकता है। लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? वक्त तो 9 बजे का था। आज आएगा। आज एक मुद्दत के बाद हम तीनों इकट्ठे हो रहे हैं। आज की रात जश्न की रात है। कुछ बिस्की वगैरह मंगाओ, कुछ सेलिब्रेट करो। अरे तुम तो बिल्कुल देवदास बने हुए। सॉरी कुंवर साहब, मैं तो अपनी परेशानी में सब कुछ भूल ही गया था। यस। अच्छा मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, मैं शो स्टार्ट करवा के अभी आता हूँ। तुम 3 पैक तैयार करो, वकील साहब भी आते ही होंगे। जाने से पहले एक झलक तो दिखा दो, आंखें तरस रही हैं। देख लो। मैं भी आया। तो आशा ने सब कुछ सुन लिया, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ना हो कि बनी बनाई बाजी बिगड़ जाए। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। कुंवर साहब यहाँ आए हैं? क्यों, कहाँ हैं? मगर बात क्या है? हमें टेलीफोन पर किसी ने बताया कि आज इस सर्कस में उनका मर्डर हो गया। जी क्या मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर, वो तो भले चंगे मेरे टेंट में ऐश कर रहे हैं। अभी तक तो आधी बोतल अकेले ही साफ कर गए होंगे। फिर भी चलकर देखने में क्या है? बिल्कुल जरूर तशरीफ लाइए, आइए। वो देखिए इंस्पेक्टर, I'm waiting.
मुझे किसी ने गोली मार दी जोगिंदर। मैं बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूं। मगर वो बैग, वो हीरे? प्लान परफेक्ट था। मैंने ठीक वक्त पर तुम्हारे बाहर आते ही कुंवर साहब का फोन कर दिया और पुलिस को फोन किया। मगर वो हीरे कहां है वकील साहब? बोलो, जल्द बोलो, वो हीरे कहां है? वो हीरे सर्कस की जमीन। सतीश, तुम यहां? तो तुमने सब कुछ सुन लिया? मैंने सब कुछ देख भी लिया। सतीश, ये वही आदमी है जिसने हमारे खेमे में कुंवर साहब का कत्ल किया है। हमें फौरन पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। पुलिस से अब ही कहेंगे ना कि इस आदमी ने कुंवर साहब को कत्ल कर दिया। हाँ, फिर पुलिस पूछेगी इसे किसने कत्ल किया। तो आइए इस लाश को ठिकाने लगा दो। लेकिन तुम घबराइए नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी जबान हमेशा बंद रहे। आइए। राम राम साहब। राम राम भैया। कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। कुछ सेवा हो तो बताइए। जरूर जरूर। राम राम। राम राम। लो, आखिरी दर्शन कर लो, मौका पाते ही ठिकाने लगा देंगे। मैं ऐसी तरकीब करूंगा कि लाश जो की तो रहे। बड़े बहादुर हो तुम। आओ मास्टर, तुम तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए। हाय पीटर द ग्रेट। गंगा? मैं तो समझा था कि गंगा बहते बहते कहीं बहुत दूर जा पहुंची है। गंगा कहीं भी जाए, एक दिन तो उसे सागर से मिलना ही है। डार्लिंग, पत्ते बांटो। मैं ननाड़ियों से खेलते खेलते बोर हो चुका हूँ, कोई खिलाड़ी लाओ। खिलाड़ी? हाय क्वीन। तो ये कहीं के राजकुमार हैं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। 1933 में पैदा हुए और बचपन से ही बदमाश हैं। दुनिया का कोई ऐसा बुरा काम आपने नहीं छोड़ा जिसके लिए आपको गोल्ड मेडल ना मिला हो। 10 साल पहले अपने महबूबा का कत्ल किया और उसके लिए जेल गए। आजकल सर्कस में शेरों को ट्रेन करते हो। सिगरेट मुंह से गिर गई है, उठा लो। तुमको जस्ती हो क्या? नहीं, लेकिन हर अच्छे बुरे की पहचान रखता हूँ। तुम यहाँ की डांसर हो ना? सिर्फ नाचती हो या नचाती भी हो? ये मैं तुम्हें बताता हूँ। गंगा, तुम जाओ। मैं कहता हूँ जाओ। आओ प्रिंस, कुछ तुम हाथ दिखाओ। कुछ मत। करना थी
मेरी पुतली। ओ 4000 बार तुमसे कहा कि इंसानों की तरह रहा करो। कैसे रहो इंसान बेटा, तुम तो इंसानों ज्यादा जानवरों से प्यार करती हो। इनमें क्या है जो मुझ में नहीं? इसके पास सुंड है। तुम्हारे पास है? नहीं है। इस घोड़े में क्या है? घोड़े के पास है? ये घास खाता है, तुम खा सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं खा सकता। ये खा सकता है? अरे बाप रे पुतली, तो मुझे कच्चा खा जाएगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई जाए मेरी जिंदगी का दुश्मन। देखा, बस इतना ही फर्क है तुम में और उसमें। उस दिल कहीं उस दिल, आज मैं तुम्हें वही बन के दिखाऊंगा जो वो है। बंदर। बंदर चरत पाले बाबा, कर मेरी मदद, मैं आ रहा हूँ। ये ले दो गोलियां, पानी में मिलाकर खिला लेना है। वो जन्म जन्मांतर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कुत्ते आपका किधर है? कल्ला सो रुपया अठारह निकाल। बाबा आज कड़की है। क्या लड़की? मर गए। लड़की बोलो तो कड़की, कड़की बोलो लड़की। अरे कड़की है तो गोलियां असर नहीं करेंगी। कुछ असर नहीं करेगी, मर गए अलग रूप में बचा के रखा था। ये लो कल्ला। मुनि पान खाओ। बच्चों को क्यों बुरी आदतें डाल रहे हो? तो लो, तुम खा लो। तंबाकू तो नहीं है? तोबा तोबा तोबा, जो नशा तुम में है वो तो तंबाकू में भी नहीं है। आओ मुनि रेफर करें। हमें भी ध्यान, हमें भी ध्यान। बाबा आधा तुम लो, आधा तुम लो, बस। ऐसा कर रही हो? ये तुम्हारे लिए है। मैं किसी को भी दूँ, तुम्हें उससे क्या? तुम मर गए। अरे मेरी जान। जान है मेरे दिल रुबा। अरे चरण पाले बाबा, ये तो उल्टा हो गया रे बाप रे। अरे बाबा, जो गोली आपने पुतली के लिए दी थी ये दोनों खाए और मेरा पीछा कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अरे बाबा बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। आज नंबर पर पीछा करते रहेंगे। चुप काली मंत्र वाली, तेरा वचन जय ने खाली। मैं तो तुम्हारा गिराए हूँ। ला दो रुपया निकाल, दक्षिणा दो रुपया। समझ गया बाबा, लो लगाओ तब हमारे नाम पे, कमावे और खावे तू। मर गया। जय भवानी।
हीरों का पता चल गया? चल जाएगा, बस एक सतीश का कांटा खटक रहा है, वो निकल गया तो मैदान साफ। क्या खराबी है मुझे? डैडी, जो आदमी दिन रात शराब के नशे में मस्त रहता हो, जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल हो ना अपनी मासूम बच्ची का, उसे कौन अच्छा कहेगा? आशा, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हारा एहसान माना है कि तुमने इतने प्यार से मेरी बच्ची को रखा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे अपनी बच्ची से प्यार नहीं। डैडी, आप अच्छे आदमी हैं ना, तो फिर शराब क्यों पीते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने हमारे सर्कस में बहुत से खतरनाक खेल देखे हैं, लेकिन अब जो खेल हम पेश करने वाले हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है ट्रेपीज, झूले के करतब का खेल। हमारे सर्कस के मशहूर फनकार सतीश अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और बगैर किसी जाल के ये खतरनाक खेल आपके सामने पेश करेंगे। कभी नहीं होगा। डर रहे हो? लो और पियो, शराब इंसान को डेयरिंग बना देती है। आज का शो तुम्हें आसमान पर पहुंचा देगा सतीश, आज की रात तुम्हारा फन लोगों के दिलों पर अपनी छाप बिठा देगा। मगर मेरी हालत देख रहे हो बस, मेरे पांव लड़खड़ा रहे, देखो ना मेरे पांव लड़खड़ा रहे। हिम्मत से काम लो, कल अखबारों में तुम्हारे फोटो छपे होंगे, तुम सबसे बड़े स्टार बन जाओगे। सुनो, लोग अभी से तालियां पीट रहे हैं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। मौत भी शायद मेरा इंतजार कर रही है। बुजदिल, डरपोक, जानते नहीं कि तुम्हें नाम और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या क्या जतन किए? ये भी जानता हूं कि बाहर सन्नाटे में एक वैगन है, उस वैगन में एक बॉक्स है और उस बॉक्स में एक लाश, और ये बात तुम जानते हो एक मैं। भूल जाओ उस लाश को, भूल जाओ सतीश, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हें बहादुरी के साथ आंखों पे पट्टी बांध के एक छलांग लगानी है, बस एक छलांग। और ये छलांग मुझे कहां पहुंचा देगी बॉस? एक नई दुनिया में सतीश, जहां शोहरत इज्जत दौलत सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगी। मैंने कहा था ना कि आज का शो तुम्हें आसमान पर पहुंचा देगा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। सतीश, क्या है? कॉफी पी लो, नशा थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? सतीश, सबकी नजरें पहचानता हूँ, सब जानता हूँ, कौन क्या चाहता है, क्यों चाहता है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि शो के वक्त तुम्हारे पांव लड़खड़ाना चाहे, और इसीलिए इसे पी लो। अच्छा, लॉग पी लेता हूँ। तुम भी क्या याद करोगी कि सतीश ने कभी तुम्हारी बात टाली नहीं, जहर भी पी लिया तुम्हारे हाथों से। अब इस खेल का वो हिस्सा शुरू होगा जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें हमारा आर्टिस्ट सतीश आंखों पर पट्टी बांधकर और बगार जाल के आपके सामने हैरत अंगेज आइटम पेश करेगा। डैडी, डैडी आज मत जा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का पगली, तेरा डैडी तो हमेशा ही शो करता है। आज मत करो डैडी, आज मत करो। आज की तो बात है, कल के अखबारों में तेरे डैडी के फोटो छपे होंगे, दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे डैडी के पास होगा। आज का शो मुझे आसमान पर पहुंचा देगा, आसमान पर। आज की रात कितनी अजीब रात है। डैडी, 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 डैडी।
आंखों पर पट्टी बांध ली। अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठे रहिए, शो अधूरा नहीं रहेगा, शो जरूर पूरा होगा। घबराइए नहीं, हमारा कलाकार अभी जिंदा है। सर्कस के लोग तो जान हथेली पर रखकर ही अपना काम करते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद है आपकी तफरी, आपकी खुशी। एक सितारा डूबता है तो दूसरा उभरता है, जिंदगी और मौत का ये खेल चलता रहा है और चलता रहेगा। आपके सामने ये शो होगा और जरूर होगा, मगर कौन करेगा ये आइटम? मैं करूंगा। तुम कौन हो? ये जानने से पहले ये जरूरी है कि शो चलता रहे। आपका नाम आशा है, इस सर्कस की टॉप आर्टिस्ट है, जबान की सख्त मगर दिल की बहुत नर्म। आंखें आपकी बहुत अच्छी, मगर इस वक्त मुझे घूर कर देख रही। और आपकी तारीफ? तारीफ से काबिल बंदा कहां हुजूर, तारीफ तो आपकी है। एक बार मेरे हाथों में हाथ देकर देखिए, जिंदगी भर हिफाजत करूंगा आपकी। आप तो बिल्कुल अनाड़ी मालूम होते हैं। दिखता अनाड़ी जरूर हूं मैम साहब, लेकिन पक्का खिलाड़ी हूँ। मेरी आंखों पर जरा पट्टी बांधिए, फिर देखिए मेरा कमाल। क्या अपनी माँ को दावत दे रहे हो? ये बच्चों का खेल नहीं है। हमदर्दी का शुक्रिया। एक बात को वादा और कीजिए मैम साहब, अगर मैं नीचे गिर के मर गया तो मेरी चिता पर जरूर आइएगा, दो फूल चढ़ाने प्लास्टिक के। इज्जत रख ली। क्या मतलब? ये क्या, ये क्या? अंधेरे में उजाला करना ही अपना धंधा है बॉस। आदमी वाकई दिलचस्प हो। तुमने मुझे बॉस कहा ना, मेरे साथ काम करोगे, मेरा मतलब है मेरे सर्कस में। हम तो खाना बदोश हैं, जिस किसी ने प्यार से बुलाया उसी पर जान कुर्बान कर दी। कहिए, दे दूं जान? विस्की पियोगे सने? विस्की? हाँ। आज तो आपकी सिगरेटी काफी है। नमस्ते जी। नमस्ते। कहिए, आपको इस अनाड़ी का खेल पसंद आया? अच्छा, आप तो पक्के खिलाड़ी मालूम होते हैं। ठीक है आपने, इसलिए बॉस ने मुझे नौकरी पर रख लिया। अच्छा जी हाँ। आप तो बड़े लकी हैं। जी हाँ, लकी ना होता तो मुझे नौकरी कैसे मिलती, और मुझे नौकरी ना मिलती तो आप कैसे मिलती? तो आप हर किसी लड़के से पहली मुलाकात में इसी तरह बात करते हैं? नहीं, नहीं, हर किसी से नहीं, किसी किसी से। वैसे आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं ना? चलिए, ये भी बड़ा अच्छा हुआ, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मुझे आपकी आंखें। दोस्ती पक्की? अभी दोस्ती और अभी दुश्मनी, कहाँ जा रही हैं आप? सतीश को देखने, वो हॉस्पिटल में है, आप भी चलेंगे? अब तो चलना ही पड़ेगा। खैर आप चलिए, कातिल के पहुंचने से पहले मैं भी पहुंचाऊंगा। जी? कुछ नहीं, चलिए चलिए।
बच्ची का, मेरी मम्मी का। ये रही मम्मी। सतीश, सतीश, देखो देखो देखो, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास है। मम्मी, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। कोई साजिश है तो फिर क्या जोगेंद्र को अरेस्ट करें? जरा ठहरो, मैं सर्कस आर्टिस्ट का बयान ले लूं। इन्हें होश आ गया, मुझे इनका स्टेटमेंट लेना। मिस्टर सती, हमें आप पूरी बात बताइए, शुरू से आखिर तक। हम जानते ही एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि आपको कत्ल करने की एक साजिश थी। क्या कातिल को पहचानते? आप कातिल को पहचानते? हाँ बोलिए। हाँ मेरे बच्चे, मुन्नू, डॉक्टर, मुन्नू, डॉक्टर, मेरे बच्चे। हाथ लगा दूं? बड़ी मेहरबानी। मैं मेहरबानी क्या है कि आपकी मदद करना तो हमारा काम है। ठीक है, हाँ। ठीक है। ये बजरंग, इसमें क्या है साहब? बहुत सुंदर है। इसमें इसमें सर्कस का सामान है। अच्छा अच्छा क्या हरकत है इंस्पेक्टर साहब? जोगेंद्र, बहुत जल्दी में शायद। कानून की नजर में ये भी जुर्म है क्या? कहाँ जा रहे हैं? इससे भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब भी देख लेते हैं। खोलो इसे। इस बॉक्स में क्या है, जरा इसे खोलिए तो। देखिए, आपको इस तरह किसी शरीफ आदमी को परेशान करने का कोई हक नहीं है। ये खोलो और बॉक्स बाहर निकालो। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आप। सॉरी सर, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। भारी बॉक्स में क्या लिए घूमते हैं आप? वो जो कुछ भी इसमें है आपके मतलब का नहीं। देखते हैं, खोलो। तो तरबूज, तरबूज,
थैंक यू मिस्टर जोगेंद्र। हो गई आपकी तसल्ली, मैंने कहा था ना कि इसमें जो कुछ भी है आपके मतलब का नहीं। चलो लाश कहां गई? मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का पगली? तेरा डैडी तो हमेशा इशू करता है। आज मत करो डैडी, आज मत करो। आज ही की तो बात है, कल के अखबारों में तेरे डैडी के फोटो छपे होंगे। दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ तेरे डैडी के। आज का शो मुझे आसमान पर पहुंचा देगा। आसमान कितनी अजीब बात है। तुमसे अकेले में बात करने की तलाश में था, आज वो मौका मिल गया। चीची, तुमने शराब रखी है, तुम होश में नहीं हो पीटर। ठीक नहीं, तुम्हें देखते ही मेरे होश उड़ जाते, और तुम हो के उस दो टके के छोकरे के पीछे दीवानी हुई जा रही हो। मेरे सामने गोपाल की हैसियत ही क्या है? आज तक मैं बेबस था, अब तुम मेरे बस में हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छुड़ा सकती। चोट आ गई है, चलो दवा लगा दो। ये पीटर बड़ा खतरनाक आदमी है।
अपनी तो जिंदगी ही खतरनाक लोगों में गुजरी है मैम साहब, प्यार मोहब्बत करने वाला तो कोई मिला ही नहीं। ओ, अभी ढूंढने की कोशिश भी की है? कोशिश? अपने को तो ऐसा लगता है कि अपनी किस्मत में प्यार मोहब्बत लिखा ही नहीं मैम साहब। ये मैम साहब क्या लगा रखा है? मेरा नाम आशा है। जानता हूँ आपका नाम आशा है, आपके बाप का नाम सेठ मदनलाल था जो नैरोबी के मशहूर जौहरी थे, मगर एक दिन का कत्ल हो गया। तो नहीं ये सब कैसे मालूम हुआ? मुझे लोगों का चेहरा देखकर उनके जन्म पते बताने की आदत है। वैसे आपका चेहरा ऐसा है कि देखने के बाद जो कुछ भी आता हो वो भी भूल जाए। अब बातें मत बनाओ, चलो डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर? इस शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है, ये है उसका कार्ड। डॉक्टर बंसल, आखिर आप चाहते क्या है? मैं ही चाहता हूँ डॉक्टर कि आप इनका इलाज कीजिए, इन्हें बार बार दिल के दौरे पड़ते रहते हैं। क्या बच्चे, तुम तो अपने जख्म दिखाने आए थे ना? आप मजाक करने आए? माफ करना, मेरा वक्त बहुत कीमती है। अजी हम सबकी जान भी तो बहुत कीमती है। वैसे जान पर से याद आया कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ डॉक्टर बंसल। क्या जानते हैं आप? यही कि आपका असली नाम डॉक्टर बंसल नहीं कुछ और है। 5 साल पहले मिलिट्री कैंप से भागकर किसी हॉस्पिटल में आज सर्जन हो गए थे। जब हम मरीजों की जान का खतरा पैदा हुआ तो वहां से भागकर किसी खटिया किस्म की नाटक कंपनी में विश्वामित्र का पार्ट करने लगे, और इसके बाद माफ कीजिएगा डॉक्टर, ये जैसी भी है मगर इनकी बात पर यकीन मत कीजिएगा। मुझे तो इनका दिमाग खराब मालूम होता है। तो फिर मेरे दिमाग का इलाज कर दीजिए। कहिए तो आज ही आपके हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊं? ये प्राइवेट नर्सिंग होम है मिस्टर, खैराती अस्पताल नहीं। कोई बात नहीं डॉक्टर। खैर आप कभी सिटी हॉस्पिटल गए? मेरा एक दोस्त गया था सतीश, जिंदा गया था बेचारा, मगर मैं आपके दोस्त को नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता। मेहरबानी करके आप चले जाइए, आपको कोई बीमारी है? प्यार की बीमारी, लेकिन मुश्किल तो यह है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे जान के दुश्मन बन गए। गोपाल? हाँ हाँ, दुश्मन दिल कहूँ दुश्मन जान कहूँ। तुमको पसंद हो तो तुम्हें दिल रुबा कहूँ, तुमको पसंद हो तो तुम्हें दिल रुबा कहूँ। शहजादी है बहार को जाने वफा कहूँ, तुम तो पसंद हो तो तुम्हें दिल रुबा खान देख ले तो कदम चूमने लगे, बुत खान देख ले तो कदम चूमने लगे, मैं खान देख ले तो वही झूमने लगे। क्या हुस्न ताजदार को दिल की दुआ कहूँ, शहजादी ये बहार को जाने वफा कहूँ, तुमको पसंद हो तो तुम्हें दिल रुबा कहूँ। छा रही हो गुलाबी खुमार हो, दुनिया पे छा रही हो गुलाबी खुमार हो, झोंका हो खुशबुओं का परेशान का प्यार हो, श्यामल का जमाल को रंगी
अदा कहूं शहजादिए बहार को जाने वफा कहूं तुम तो पसंद हो तो तुम्हें दिल डुबा कहूं हर चीज की मिसाल है तुम बे मिसाल हो हर चीज की मिसाल है तुम बे मिसाल हो गंगा की तरह पाक हो निर्मल ख्याल हो क्या अपनी जिंदगी को मैं अपना खुदा कहूं शहजादिए बहार को जाने वफा कहूं तुम तो पसंद हो तो तुम्हें दिल रुबा कहूं उधर तुमने ये बदन शरबत मिलाकर पुतली को पिलाई और उधर उसे शादी की रस्म के लिए की दुहाई कहो कैसा शेर हुआ छा गए बाबा मर गए बाबा कहीं ये शेर गिदड़ ना बन जाए पिछली बार जो आपने दो गोलियां दी थी ना तब से ये दो गोले मेरे पीछे पड़े हैं उठो क्या चले आते चंकू मंगी बाबा धन्यवाद अहमदाबाद अरे अहमदाबाद में धन्यवाद थैंक यू जाते जाओ समझ गया रेट बोलो पाँच रुपया दिन पे दिन भाव बढ़ते ही जा रहा बाबा भाव ही बढ़ रहा है बेटा लो बाबा मोहब्बत के दो ही अंजाम होते हैं गले लगा लो या तो रुपये लगा लो पुतली अरे वाह क्या बात है शरबत बहुत मौके पर आती बड़ी प्यास लग रही है रिंग मास्टर साहब आप मत पीना वरना वांदे हो जाएंगे क्या मतलब दिन में आपको तारे नजर आएंगे तारे नजर आएंगे चलो आज दिन में ही तारे देख लेते हैं हाँ आप नहीं पी सकते मैं कहता हूँ मैं पी सकता हूँ आप बिल्कुल नहीं पी सकते तुम पी सकती हो बिल्कुल तुम भी नहीं पी सकती मैं पी सकती पियो पियो सकता हूँ पियो देखा मैं खाना नहीं पी सकती ये तो बहुत ही कड़वा है खाना कोई नहीं पी सकता चलती बाबा फिर उल्टा हो गया गोरिल्ला मर गया बाबा अरे बाबे गोरिल्ला बाबा कौन जी है अरे बाबे गोरिल्ला बाबा कौन जी है अरे 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 मर गया यार तबाह हो गया अरे अरे भगवान अरे गोरिल्ला अरे बाबे तब तो कुछ यार अरे कुछ 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 अरे यहाँ भी आ गया रे अरे नहीं नहीं ये तुम्हारी हालत किसने बना खिला दिया आप में दोनों गोले मेरे पीछे पड़े वो मेरे लिए था और शरबत भी तुम्हारे लिए था जो तुमने गोरिल्ला को पिला दिया उसने मेरी हालत बना दिया वो भी मेरे लिए था मेरे लिए था वो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया तुम क्या करती मैं भी तुमसे प्यार करती
ये नहीं लग रहा, अरे ब्रेक भी नहीं लग रहा है, अरे हैंड ब्रेक भी नहीं लग रहा है। न जाने अचानक क्या हंगामा शुरू हो गया, अब तक दो खून हो चुके हैं, खूनी का फंदा हर वक्त मेरी गर्दन पर लटका नजर आता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूं बॉस कि आज तक मैंने जिस किसी का भी हाथ थामा है उसे मंजिल तक पहुंचा के ही दम दिया है, क्या करना होगा मुझे? मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं चाहता हूं कि तुम हर कदम पर मेरे साथ रहो मेरी हिफाजत के लिए। अपना तो धंधा ही अंधेरे में उजाला करना है बॉस, अगर आपकी खातिर किसी को उजाले से अंधेरे में ले जाना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, मुझे सर्कस में ऐसा और कोई आदमी दिखाई नहीं देता जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मुझे शक है कि खूनी इसी सर्कस में मौजूद है, हमारी आंखों के सामने है मगर उसे हम देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। खूनी कब तक बचेगा बॉस? एक न एक दिन ये हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाएंगे। मामूली सर कीड़ा था। पीटर, पीटर, चेहरे पे घबराहट भी कितनी खूबसूरत मालूम होती। पीटर, मैं तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम यहाँ किस चीज की तलाश में आई हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सबको एक ही चीज की तलाश है। पीटर, जाने दो मुझे। पीटर, तुम अपने आप मेरे जाल में आ फंसी हो, अब मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़े जाने दूंगा। मुझे इतना कमजोर नहीं समझा, वक्त आने पर वक्त आने पर तुम किसी का खून भी कर सकती हो, है ना? अब तक दो खून हो चुके, न जाने कितने खून और होंगे। कोई नहीं बचेगा सिवाय मेरे, मैं एक बहुत बड़ी ताकत हूं, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। गोपाल का सहारा पाकर तुम इतनी गले रो गई हो, मगर वो चंद लम्हों का मेहमान है। होश की बातें करो पीटर, ऐसा ना हो कि जो कब्र तुम दूसरे के लिए तैयार कर रहे हो उसमें तुम्हारी ही लाश को दफन करना पड़े। लाश? लाश तो होगी ही, मगर मेरी नहीं, गोपाल की। देख लूंगी जिंदगी किसका साथ देती है और मौत किसका। जब भी यहाँ आती हूँ होशियारी से आती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे सभी ठिकाने लग जाएंगे।
लेकिन इतने सारे कत्ल होने के बावजूद अब तक हासिल कुछ नहीं हुआ। आखिर वो हीरे किसके पास है? ये पता लगाना मेरा काम है। आज नहीं तो कल। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। आप ही ने तो कहा था बॉस कि मुझे कदम कदम पर आपकी हिफाजत करनी है। ये लाश गोपाल, कुंवर साहब का जो सर्कस में खून हुआ था ना, वो इसी शख्स ने किया था। अजब गोरख धंधा है। ये लाश यहाँ से गायब हो चुकी थी और फिर वापस आ गई। आपको वहम हो गया है, लाश अपने आप यहाँ से चलकर नहीं जा सकती। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप कातिल की तलाश में है ना? हाँ। कातिल मेरे सामने है। क्या? साफ जाहिर है। पहले तो कातिल ने लाश को लाकर यहाँ छुपा दिया और बाद में मौका देखकर लाश को ठिकाने लगाना चाहा। आप यहाँ आए, आपने देखा कि लाश यहाँ नहीं है। कातिल जब लाश ठिकाने न लगा सका तो उसने वापस लाकर यहाँ रख दिया। आखिर वो है कौन? राम राम साहब। राम राम। सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। राम राम बाबू। राम राम। ए, तुम ठहरो। किसने गोली चलाई? बेचारा बेकार मारा गया। खूनी एक बार फिर हाथा से बच गया। तुम जान गए हो कि खूनी कौन है? जी हाँ, जान पहचान तो होगी। कुछ वो मुझे जान गया है, कुछ मैं उसे पहचान गया हूँ। आपकी का इंतजार कर रहा। क्यों? समझदार को इशारा काफी होता है। जहां से आप आ रहे हैं मैं भी वहीं से आया हूं। क्या ख्याल?
जिस तरफ से घर जलने का अंदेशा हो उसे हमेशा के लिए बुझा क्यों ना दिया जाए? मैं समझा नहीं। सब कुछ जानते हो भी अनजान बनते हो बॉस। मेरा इशारा गोपाल की तरफ। पीटर, मैंने गोपाल को खत्म करने का एक ऐसा तरीका सोच लिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, मगर मेरा हिस्सा बोलो वही जो सतीश का था, लेकिन मेरा अंजाम वो नहीं होगा जो उसका हुआ, क्योंकि मैं सतीश से कुछ ज्यादा जानता हूँ। तुम जरूरत से ज्यादा ही कुछ जानने लगे हो। ओके, इसलिए जब मेरी जगह गोपाल तेरे सामने आए तो उसे ऐसे गले लगा लेना जैसे मौत गले लगाती है, जिंदा नहीं छोड़ना उसे। पीटर भी अजीब आदमी है, शेर के आइटम का वक्त हो गया और उसका कहीं पता नहीं। कोई बात नहीं बॉस, आप तैयारी करवाइए, ये आइटम मैं करूंगा। ओके। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? शेर आज बहुत गुस्से में है, तुम्हारे बस की बात नहीं। कौन किसके बस में है यही तो देखना है। Now go back. Come on, go back. Go back. Come on. Go back. Go back. Go back. Good. Good. That's good. Go back. Good. Thank you.
सिर्फ ये कहने से नहीं बच सकते मिस्टर जोगेंद्र कि आप कुछ जानते ही नहीं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 मर्डर्स हो चुके हैं आपकी सर्कस में और आप कहते हैं कि आप कुछ जानते ही नहीं। क्या कहूं इंस्पेक्टर, बस मैं तो इतना जानता हूं कि कोई है जो मेरे साथ एक भयानक खेल खेल रहा है। वो कौन है कौन जाने। मैंने तो फैसला कर लिया है कि क्रिसमस की रात का आखिरी शो करने के बाद अपने इस सर्कस को हिंदुस्तान से बाहर यूरोप ले जाऊंगा। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इंस्पेक्टर न जाने क्या क्या सवाल पूछेगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुमने तो खून नहीं किया, फिर डर किस बात का? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो? गोपाल ऐसा मजाक मत करो, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। तुम क्यों कांप रहे हो? तुम तो ऐसे मरे जा रहे हो जैसे सारे खून तुम ही में। ऐसा मत कहो, इंस्पेक्टर तुमसे क्या पूछ रहा था? यही कि तुम्हारी उम्र क्या है। मैंने कहा 17 साल। करेक्ट। फिर मुझसे पूछा कि तुम्हें सर्कस में कितने साल हो गए काम करते हुए। मैंने कहा 3 साल। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम के बारे में कुछ जानती हो। मैंने कहा कोई भी हो सकता है, बस यही 3 सवाल वो तुमसे पूछ लेना, तुम भी यही जवाब दे देना। 17 साल? हाँ। 3 साल? हाँ। कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। 17 साल? 3 साल? कोई भी हो सकता है। आ रही। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। उम्र क्या है? 30 साल। कितने दिन हुए यहाँ काम करते हुए? सिर्फ 7 दिन। और इन 7 दिनों में 3 मर्डर्स हो चुके हैं। कातिल के बारे में कुछ जानते हो? कातिल के बारे में तो कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप कहें तो आपके बारे में सब कुछ बता दूं।
आपके पिता स्कूल मास्टर थे, आप पहले पटना में खेती करते थे, आपकी सौतेली माँ ने आपको पुलिस में काम करने के लिए मजबूर किया, बाप का नाम हरदयाल, माँ का नाम दुलारी और आपका नाम दीनदयाल है, और कुछ? नो थैंक्स। थैंक्स किस बात का इंस्पेक्टर साहब, अपने काम तो अंधेरे में उजाला करना है। ए, इधर आओ। मैं? हाँ तुम। कितने दिन हुए सर्कस में काम करते हो? 17 साल। हैं? क्या उम्र है तुम्हारी? 3 साल। क्या बच्चे हो, पागल तुम हो या मैं? कोई भी हो सकता है। छड़ा बोलो 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 मेरे हो बोलो बोलो नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी, बात बढ़ जाएगी देखो, बोलो नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी, बात बढ़ जाएगी देखो। नहीं 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 मैं तेरा नहीं, है कोई नाजनी तुमसे भी है हंसी, नाम जो सुनोगी जल जाओगी, है कोई नाजनी तुमसे भी है हंसी, नाम जो सुनोगी जल जाओगी। बजे जब वो हंसे तो फूल खिले, हाँ फूल खिले, बात करे तो होश उड़े, हाँ होश उड़े, मेरा दिल वो है वो है वो तेरा नहीं 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 नहीं, नहीं। हाथ चढ़ जाए, समझो मेरी किस्मत बचती तुम्हारी। जाओ,
जाओ। मत सताओ, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। इतने दिनों के बाद तो आई हो डार्लिंग। क्या करती, पीटर की दीवार के दरमियान थी। पीटर बड़ा बेवकूफ था, समझता था कि गंगा सिर्फ उसी की जागी है। भला बहती गंगा को भी कोई रोक सकता है? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने वो नाटक रचाया था। अफसोस, हाथ कुछ नहीं आया। बड़े वादे किए थे उसने कि सर से पांव तक हीरों से जड़ देगा, मगर बेचारा पहले ही खिसक गया। कोई बात नहीं डार्लिंग, वादा उसने किया था पूरा हम करेंगे। सच डार्लिंग? झूठ बोलूंगा, और वो भी तुमसे। क्यों पाप करवाती हो, भला गंगा के सामने भी झूठ बोला है किसी ने? लो थोड़ा गंगा जल, तुम भी पी लो। हाय, अरे दैट्स नाइस, ओके नाइस। गोपाल, यस बॉस। शरीफ आदमी अंदर आने से पहले खटा लिया करते हैं। खैर, अब तुम आ ही गए हो तो मिलो इनसे। ये है मिस, जानता हूँ, पहले इनका नाम कलावती था, अब गंगा है। पहले एक झोपड़े में रहती थी, अब एक खूबसूरत फ्लैट में रहती हैं। वैसे काफी लोगों को फ्लैट कर चुकी हैं। अगर उन बेचारों के नामों की लिस्ट गिनाने लग जाऊं तो सुबह हो जाएगी। ओके बॉस, कैरी ऑन। बदतमीज कहीं का, तुम इसे भी जानती हो? एक बार क्लब में मिला था, मुझे इससे बहुत डर लगता है। मुझे भी कभी कभी इससे डर लगने लगता है। तुम्हें भी? बेकार गई। सब जगह मैंने तलाश कर ली, लेकिन हीरो का कोई पता नहीं चला। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हम लोग अंधेरे में हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो। अब तक हम दोनों पर किसी को शक हुआ? जब होगा। फिर भी एहतियात जरूरी है, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। जोकर पे शक करती हो, जोकर मुझ पे, मैं बॉस पे, और न जाने ये गुत्थी कब सुलझेगी, न जाने कितने कत्ल और हो। गोपाल, मुझे बड़ा डर लग रहा है। आओ तुम्हें टेंट तक छोड़ दें। वो काम जो तुमने सौंपा गया था हुआ? बॉस, उस जगह का मैंने चप्पा चप्पा खोद डाला, मगर तकदीर खराब थी, वो लैला मजनू वहां टपक पड़ गया। समझ लो, आपने आशा और गोपाल, हमने तुम्हें देखा तो नहीं, पता नहीं, पूछ कर आऊं। आइंदा फिर बता।
मास्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मैंने अपने यूरोप के टूर के लिए स्पेशली तैयार कराया है, पहन के देखो। बॉस ये तो मेरे घर में जाती ही नहीं है, इम्पॉसिबल। देखो मैं दिखाता हूँ। बॉस आप तो परफेक्ट जोकर लग रहे हैं, कल से रिंग में उतर जाइए अपने धंधे पे। क्या ना? अच्छा आशा, अब तुम सो जाओ, सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट। गोपाल मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। क्यों? मुझे नींद नहीं आएगी। वैसे यहाँ से जाने के बाद नींद तो मुझे भी नहीं आएगी। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, फिर बातें करेंगे, शायद बातें करते करते नींद आ जाए। वो देखो, वो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? तुमसे ज्यादा नहीं डाली। कितना कीमती है वो भी, तुमसे ज्यादा नहीं है। कहाँ पे हाथ मारा है? दरअसल बात ये पुतली कि मेरे हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया है, अब थोड़े ही दिनों में देखो तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान से पटक दूंगा। पटक दूंगा मेरा मतलब है, दिखा दूंगा मैं जाऊँ। बात गोपाल चुप तो हो, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम चले गए। बोलो ना। तो फिर कोई बात हो। आंखें जरा मिलाओ तो फिर कोई बात हो। तो फिर कोई बात हो। पर्दा जरा हटाओ। सितम के पर्दा दीवार बन गया, तुमको खबर कहाँ कोई बीमार बन गया। ये क्या सितम के पर्दा दीवार बन गया। आकर गले लगाओ तो फिर कोई बात हो। दिल आग के करीब है जब नींद आएगी, ये राज भी अजीब है
आँखों में जाएगी, दिल आग के करीब है कब नींद आएगी, दिल की लगी बुझाओ, दिल की लगी बुझाओ तो फिर कोई बात हो, तो फिर कोई बात हो, पर्दा जरा हटाओ, हो सकती थी मेरी। क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन अपनी बारी भी आने वाली है, आज मेरी बारी थी। क्या कह रहे हो गोपाल? ठीक कह रहा हूं, आज मुझे कुछ शक सा हुआ, मैंने इस प्रैक्टिस वाले डमी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और लाइट ऑफ कर दी, कुछ खटका हुआ, मैं टेंट के पीछे छुप गया, कोई धीरे धीरे मेरे टेंट के अंदर आया, इसके सीने में चाकू घोंप कर चला गया। कहाँ चला गया? बॉस ने भी क्या काम दे दिया?
ये तो मुन्नी की गुड़िया है। मुन्नी, मुन्नी कहाँ है? मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी कहाँ हो तुम? अब तो हद हो गई। इन दिनों जितने भी मर्डर्स हुए सब तुम्हारे सर्कस में हुए। मिस्टर जोगेंद्र कहाँ है? बॉस पता नहीं। ठीक है, कल सुबह उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाएगा। बॉस की चिट्ठी है, लिखा है मुझे अचानक जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, कुछ ही दिनों में मैं वापस लौट आऊंगा। मेरे आने तक सर्कस की पूरी जिम्मेदारी मैं जोकर के सपोर्ट करके जा रहा हूं। याद रहे कि शो नहीं रुकना चाहिए। बॉस। आइए मालिक साहब, रात कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करती है, भूल गए थे ना? बोलते क्यों नहीं, जब से तुम बॉस बन गए हो क्या हो गया है तुम्हें? बता दूं तुम्हारा भेद क्या है? ये मास्क उतारो ना। बॉस अचानक गायब हो गया। अरे फिर तो हीरे भी गए। हाँ गंगा, उन हीरों को हासिल करने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अब लगता है कि सारी मेहनत बेकार गई। हिम्मत ना हारो, मैं तो कहती हूं तुम इसी तरह आशा से प्यार का ढोंग रचाते रहो, शायद कुछ काम बन जाए। तुमसे मतलब? मुझसे प्यार का ढोंग रचाने वाले, मैं अपनी आंखों से तुम्हारा और क्लब डांसर की मोहब्बत का नाटक देख चुकी हूँ। तुम दोनों उन हीरो के पीछे हो। चुप रहो, खून कातिल, तुमने सबको मार डाला है, तुम ही सबके कातिल हो। आशा, असली कातिल इस कमरे में छुपा हुआ है, जिससे तुम मिलने आती हो और जिसे अब मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार करने? तुम कौन हो? तुम इंस्पेक्टर खन्ना फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्रांच। हाँ आशा, गंगा मेरी साथी,
मैंने अपने मकसद के लिए आज तक तुमसे भी अपनी सिर छुपा रखी है। ले चलो मुझे कातिल के पास, अब वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। गोपाल। आशा, आज मेरे फर्ज के आगे मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं। चलो। कौन? पुलिस, अपनी जगह से हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। गोली चलाने की जरूरत नहीं, मेरे डैडी अपाहिज थे। तुम्हारे डैडी? हाँ, मैं इन्हीं से मिलने यहाँ आया करती थी, लेकिन उन्हीं हीरों की खातिर इनकी मौत का ढोंग रचाना पड़ा। वो हीरे मेरी जिंदगी भर की पूंजी थे, जिन्हें वो सालिम धोखा देकर ले गए। 3 साल पहले नैरोबी में वो मेरे पास खरीदार बनकर आए, रकम चुकाने के बहाने मुझे अपने साथ ले गए। न जाने वो मुझे कौन से रास्ते पर ले जा रहे थे। उनमें एक सर्कस वाला था, एक जागीरदार था और एक बॉक्सर था। मुझे कुछ शक सा हुआ कि वो लोग कोई खतरनाक चाल चल रहे हैं। लाइए हीरो का बात। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए? आप तो मुझे बैंक ले जा रहे थे ना। बैंक की क्या जरूरत है ज्वाहरी साहब, हम जहाँ ठोकर मार दें खजाने निकल आते हैं। चुपचाप ही रहने वाले कर दो। और रुपया? इन्हें रुपया दे दो। इसका क्या करूं? इसे गाड़ी में डालकर गाड़ी खड्डे में फेंक दो। क्यों? वाह वाह कुंवर साहब, समझ कर भाग गए कि मैं मर चुका हूँ। डैडी को लेकर मैं इसी तलाश में हिंदुस्तान आई और सर्कस में नौकरी कर ली। एक दिन उन्हीं हीरों का बंटवारा होने वाला था, मगर इससे पहले ही कुंवर साहब को किसी ने मार डाला। मैं खिड़की से सामने वाली सर्कस की ट्रेन पर नजर रखा करता हूँ, वो हीरे किसके पास है अब तक कोई पता नहीं लगा सका। इसका मतलब है अब सिर्फ 2 ही आदमियों पर शक किया जा सकता है, एक बॉस और दूसरा जोकर। जोकर को मैंने कल रात ही कोई चीज उठाकर लाते हुए देखा है, मुझे शक है वो किसी की लाश। लाश? पुतली की लाश को तो पुलिस उठाकर ले गई, फिर ये किसकी लाश हो सकती है? अब सारी उलझन आईने की तरह साफ हो गई। तुम्हें याद है ना आशा, बॉस ने दिल्ली जाने से पहले अपना सब कुछ जोकर को सौंप दिया था। दरअसल बॉस दिल्ली गया ही नहीं, वो यहीं सर्कस में मौजूद है जोकर के भेस में। गोपाल। हाँ आशा, उसी ने कुंवर साहब का कत्ल किया। वकील का कातिल वही है, सतीश और पीटर का खून भी उसी ने किया, मगर आज वक्त आ गया है इस अंधेरे में उजाला कर ही दिया जाए। क्या करोगे तुम? आज क्रिसमस की रात है, सर्कस में जश्न मनाया जाएगा, सबके चेहरों पर नकाब होगा, बॉस के चेहरे पर भी, मगर आज वो नकाब हटा दिया जाएगा।
सरगुप्त तो आदमी नहीं है, कोई बाहर का आया हुआ है। बाहर का आया हुआ है? कौन ये तुमने जोकर का ड्रेस क्यों पहन रखा है? आज की रात किसी भी हालत में मुझे कातिल का पता लगाना है। मगर इस ड्रेस में मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, बॉस जोकर के भेष में है ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं।
उसे सामने लाने के लिए मरे हुए जोगा को फिर से जिंदा करना होगा। क्या मतलब? मैं जब जोकर के भेष में सर्कस रिंग में जाऊंगा तो मुझे यकीन है कि जोकर के भेष में छुपा हुआ बॉस कहीं भी होगा, मुझे देखकर सामने आ जाएगा। गोपाल, गोपाल, क्या बात है आशा? बॉस का कहीं पता नहीं। बॉस का कहीं पता नहीं? नहीं, बस यही मौका है। तुम बॉस के टेंट में जाकर हीरो को तलाश करो, मैं ही जोकर के भेस में उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मार डाला है। ऊपर चलो गोपाल, ट्रैफिक का टाइम हो गया है, न जाने आज क्या होने वाला है। गोपाल, वो आखिरी कातिल वो आ गया है। Thank you.
दोनों को शायद मेरी ही तलाश है। लीजिए, बंदा हाजिर है। मगर आपने ये अपना खूबसूरत चेहरा क्यों छुपा रखा है? जरा पर्दा हटाइए और हमें भी दर्शन करने दीजिए। अच्छा, तो इस राज पर से पर्दा हटा ही देते हैं। तुम जिंदा हो? मगर तुम तो मर चुके थे। मेरी मौत सिर्फ एक चाल थी। चाल? तो आज तक तुम मुर्दा बनकर लोगों को धोखा देते रहे। सुनो, दुनिया की नजर में तुम मर चुके हो। अगर इस मौत का फायदा उठाकर तुम सारे कांटे दूर कर दो तो सभी माल अपना है, फिर किसी बंटवारे की जरूरत नहीं। तरकीब अच्छी थी। मैंने जोगिंदर के सामने जाकर अपनी मौत का ठोंग रचाया और एक के बाद एक उन सबको मार डाला जिनसे मुझे खतरा था। मैंने उसके एहसानों का बदला यह दिया कि उसे गोली मार दी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस पर शक हो गया था। उस वक्त पीटर ने मुझे देख लिया था, इसलिए उसे भी मुझे खत्म कर देना पड़ा। वकील साहब, खेल तो आपने बहुत अच्छा खेला, मगर वो हीरे कहाँ हैं? अब ये सारी दौलत मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस ट्रंक में तुमने हीरों का बैग रखा था, इत्तेफाक से उस पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने हीरे निकालकर उसकी जगह पत्थर रख दिए। अब बताओ कौन जीता? फैक्ट्री में you
गोपाल है, पुलिस की नौकरी करते हैं, दिल के बड़े सख्त हैं, किसी को लिस्ट नहीं देते। मुझे लिस्ट मिलेगी? गंगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही जगह खाली कर दी। आइए शहजादी ये बहार को